वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर रोज की तरह आज फिर से हमने अरिहंत प्रकाशन की बुक में जो हमारा चैप्टर चल रहा था गणितीय संक्रियाएं यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन का आज हम लोग पार्ट टू पढ़ेंगे और इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 31 नंबर से लेकर के 60 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखो। दोस्तों, यदि आप भी वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे इस वीडियो से साथ में हमारे सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बुक के साथ साथ हमारे इस यहाँ पे अंकित भाटी सर की मैथ और रीजनिंग की बुक का संपूर्ण सॉल्व करवाया जा रहा है, साथ में ये बुक तो हमारी चल ही रही है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आप हमारे WhatsApp और Telegram ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे WhatsApp और Telegram ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, ग्रुप में जुड़ने से बेनिफिट आपको इस बात का होगा कि सबसे पहले तो इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक वगैरह का PDF वगैरह चाहिए तो आप हमें वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप से मैसेज करके उस बुक का PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है यानी कि 31 नंबर, यहाँ पे कहा गया है कि छायांकित खानों में वह उपयुक्त गणितीय संक्रियाएं लिखें जिनसे उत्तर प्राप्त हो जाए, सभी परिकलन बाईं ओर से दाईं ओर किए जाने हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कहा गया सभी परिकलन बाईं ओर से दाईं ओर किए जाने हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं ऑप्शन ए लेके सॉल्व करते हैं। क्या ऑप्शन लेते हैं? ऑप्शन हमने ए ले लिया तो यहाँ पे 8 फिर माइनस 4 और फिर यहाँ पे हमारा डिवाइड 6 फिर प्लस का 5 इक्वल हमने 60 कर दिया। अब अगर इसको हल करेंगे तो ये 8 माइनस 4 बटे 6 प्लस का 5 बराबर 60। अब इसको अगर हल करेंगे दोस्तों तो इसका वैल्यू क्या बनेगा? देखिए 8 5 13 हो जाएगा, ये 8 5 13 बटे 1 मान लेंगे, माइनस का 4 बटे 6 देन हमारा 60। तो 13 6 78 माइनस का 4 बटे हमारा 6 बराबर हमारा 60। तो कुल मिला के 78 से जब हम 4 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 74 बटे 6 बराबर 60। तो ये कुल मिला के 60 इक्वल नहीं आ रहा है इसके, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा हो जाएगा रॉन्ग यहाँ से। अब अगर हम ऑप्शन बी ले लेते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन बी में हमारा 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बनाएंगे और यहाँ पे आगे हमने 4 लिख दिया, फिर डिवाइड बनाकर हम आगे 6 लिख देंगे और फिर यहाँ पे आगे हमारा दिया है मल्टीप्लाई, तो वापस से हम मल्टीप्लाई बनाएंगे और आगे लिखा हमारा 5 तो हमने आगे 60 लिख दिया। अब अगर इसको हल करेंगे तो ये 8 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 6 इंटू 5 इक्वल हमारा आ जाएगा 60। अब दोस्तों अगर इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 2 3 6 और 2 4 8। अगर इसको अब और आगे हल करेंगे 4 4 16 5 80 बटे हमारा 3 देन हमारा 60। तो ये भी हमारा इक्वल नहीं आ रहा, तो कुल मिलाकर के बी ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन ले लेते हैं तो सी ऑप्शन हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 6 और फिर देन माइनस का 5 इक्वल हो जाएगा 60। अगर इसको हल करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 4 बटे 6 माइनस का 5 बटे बराबर 60। अगर इसको हल करेंगे तो 2 3 6 2 4 8 तो ये हो जाएगा 4 4 16 बटे 3 माइनस का 5 बटे 1 मान लेंगे देन 60। यहाँ पे 3 हमारा LCM हो जाएगा तो 16 माइनस का 5 3 15 देन हमारा 60। तो 16 से 15 घटाएंगे तो 1 बटे 3 दिन हमारा आ जाएगा 60। यानी कि देखा जाए तो सी भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इससे भी राइट नहीं हो रहा है। अब अगर हम देखें डी ऑप्शन, तो चलिए हम डी को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे लेकर के। तो डी में हो जाएगा हमारा 8 और फिर डिवाइड, यहाँ पे 8 डिवाइड हमने 4 कर दिया और फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 और फिर मल्टीप्लाई हमारा 5 देन हमारा 60। 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 60। तो 6 दूनी 12 12 5 60 यानी कि 60 बराबर 60 यहाँ पे हमारा ये संतुलित हो रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 के बाद 32 नंबर। और 32 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि निम्न समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है। तो यहाँ भी हम काम वही करेंगे, ऑप्शन ए ले लेते हैं, 18 हमने 18 लिख दिया और माइनस की जगह पे हमने भाग बना दिया और यहाँ पे आगे 2 लिख दिया, गुणे की जगह पे हमने 7 बना दिया
और फिर भाग का है ना आपस में बदलने पे, भाग की जगह हम क्या बना देंगे, माइनस बना देंगे, तो हमने माइनस बना दिया 6, और प्लस लगा है 10, तो हमने 10 लिख दिया, और आगे हमारा 67 दिया है। 2 से भाग जब 18 करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 10 बराबर हमारा 67, 963 हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 10 बराबर हमारा हो जाएगा 67। अब दोस्तों 63 में हम क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 73 बन जाएगा, माइनस 6 बराबर हमारा 67, 73 से 6 घटाएंगे तो 67 बराबर हमारा 67 हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन ही इस क्वेश्चन को फॉलो कर जाएगा। देखा जाए तो 32 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि बदलने की आवश्यकता है, यानी कि माइनस और डिवाइड को आपस में बदलने की आवश्यकता होगी, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, यानी कि इक्वल हो जाएगा। अगला देखते हैं 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन, और 33 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया, कहा गया नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। अब फिर इसमें भी वही काम दिया है जैसे भी हम लोग पिछला क्वेश्चन किए हैं, तो देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 18 लिख दिया और प्लस किन दो चिन्हों को आपस में बदलने की जरूरत है, ठीक है, प्लस की जगह पे हम भाग बना देंगे, भाग बना दिया, 6 लिख दिया, माइनस फिर 6, भाग की जगह पे हम प्लस बना देते हैं, और गुणा की जगह पे 3 बराबर गुणा की जगह पे गुणा ही 3, वैसे ही बन हमारा 6, 6 3 18 3 हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस यहाँ पे 3 त्रिक का अगर जोड़े तो 9 हो जाएगा बराबर 6। अब दोस्तों देख लीजिएगा 9 3 12 हो जाएगा, माइनस का 6 देन हमारा 6, तो 6 बराबर 6, यानी कि देखा जाए तो यहाँ से भी हमारा ऑप्शन पहला ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। 33 के बाद दोस्तों 34 नंबर देखेंगे, 34 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया, कहा गया कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए कौन से दो संकेत बदलने चाहिए। यहाँ भी सेम वही क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यहाँ भी हमको ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं कि कौन से, हम अगर ऑप्शन ए ले लेते हैं तो यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमारा बना हुआ है दोस्तों देख लीजिए कि ये प्लस, तो प्लस की जगह पे हमको गुणा बनाना है, गुणा की जगह पे प्लस बनाना है, यहाँ पे डिवाइड लगा, डिवाइड लगा दिया, 3 लिखा, 3 लिख दिया, प्लस की जगह पे गुणा बनाना है, 2 लिख दिया, और गुणा की जगह पे हमको प्लस बनाना है, यहाँ पे 10 लिख दिया, माइनस 6 देन हमारा 14। हल करते हैं, 3 5 15 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 प्लस का 10 माइनस का 6 बराबर हमारा 14, 5 2 10 हो जाएगा, 10 10 20 हो जाएगा, 20 माइनस 6 करेंगे बराबर हमारा 14, तो 20 से 6 घटा देंगे दोस्तों 14 बराबर हमारा 14 आ जाएगा। यहां से भी हमारा ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। देखा जाए तो 34 का ए के साथ ये भी क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34 के बाद दोस्तों 35 नंबर देखते हैं, और 35 नंबर क्वेश्चन में भी कहा गया है कि निम्न संकेत परिवर्तनों में से कौन सा दी गई समीकरण को सही बनाएगा। यहाँ से भी हम ऑप्शन ए लेते हैं, सबसे पहले 5 लिखा, 5 लिख दिया, प्लस की जगह पे हमको माइनस बनाना है 3, और गुणे की जगह पे गुणा ही बनाना है 8, और माइनस की जगह पे हमको प्लस बनाना है 12, और डिवाइड हमारा 4 बराबर हमारा 3, तो कौन सा दी गई समीकरण को सही बनाएगा। तो अगर इसको हल कर देते हैं, निम्न संकेत परिवर्तनों में से कौन सा दी गई समीकरणों को सही बनाएगा, अगर हल करेंगे दोस्तों तो 5 माइनस का यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस का 4 3 12 3 आ जाएगा, देन हमारा यहाँ पे इक्वल 3। अब अगर देखते हैं इसको, तो ये 5 माइनस का 8 24 प्लस का 3 बराबर हमारा 3, अब 5 3 ये 8 हो जाएगा, माइनस का 24 बराबर हमारा 3, 24 से जब 8 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा बचेगा माइनस का 16 बराबर 3, तो कहीं ना कहीं ये इक्वेशन तो फॉलो नहीं हुआ, यानी कि ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन ए के बाद हम ऑप्शन यहाँ पे बी देखेंगे, हमने यहाँ पे बी देख लिया, बी में क्या दिया है, माइनस की जगह पे डिवाइड, और डिवाइड की जगह पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे माइनस है तो हम क्या कर देंगे, 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 माइनस की जगह पे डिवाइड, और यहाँ पे हमने लिख दिया 12, और फिर डिवाइड की जगह पे हम लिख देंगे माइनस 4 बराबर हमारा 3, तो अगर इसको हम हल करते हैं तो 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 बटे 12 कर देंगे, और फिर इसके बाद माइनस का 4 बराबर हमारा 3, 3 चौक 12 4 4 दूनी 8, तो ये आ गया हमारा 5 प्लस 2 माइनस का 4 देन हमारा 3, तो 5 2 हमारा हो जाएगा 7 माइनस 4 बराबर 3, 7 से 4 घटाएंगे दोस्तों 3 बराबर 3, यानी कि देखें तो ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि इससे हमारा आंसर मैप होने लगा है, यानी कि मैच कर रहा है।
अगला देखेंगे क्वेश्चन 35 के बाद दोस्तों 36 नंबर, और 36 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि नीचे दी गई समीकरणों में प्लस और गुणा तथा 12 और 18 को एक दूसरे के स्थान पर रखने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण सही हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों ये गुणा जो सबसे पहले प्लस हमने बोल दिया, प्लस में ये हमारा क्या है, डिवाइड का सिंबल है, ठीक है ना। डिवाइड कह रहा है, डिवाइड और गुणा तथा 12 और 18 को एक दूसरे के स्थान बदल दिया, यानी कि भाग होगा तो गुणा बनाएंगे, गुणा होगा तो भाग बनाएंगे, 12 होगा तो 18 लिखेंगे, 18 लिखा होगा तो 12 लिखेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला ए ऑप्शन यहाँ पे सबसे पहले लिखा 90, हमने 90 लिख दिया, और फिर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई की जगह पे हमको क्या बनाना है, डिवाइड बनाना है, और 18 की जगह पे हमको लिखना है 12 लिखना है, तो ये लिख दिया। ये तो इतनी कहानी हो गई, और फिर आगे हमारा आगे क्या लिखा है यहाँ पे, डिवाइड, तो डिवाइड की जगह पे हमको गुणा बनाना है, आगे लिखना है 12, 12 की जगह पे हमको 18 लिख देना है, तो हमने 12 की जगह पे 18 लिख दिया, और फिर आगे इक्वल हमारा करके 60 लिखा, हमने 60 लिख दिया। अगर इसको हल करें तो ये 90 बटे 12 मल्टीप्लाई 18 बराबर 60, तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2 से इसको कट करेंगे तो 45, 45 त्रिकों कितना हो जाएगा हमारा 135 बराबर 60। तो इससे तो हमारा इक्वेशन इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत। अब अगर ऑप्शन हम बी को हल करें तो बी हमारा दिया गया 18 की जगह पे हमको 12 लिखना है, और गुणा की जगह पे हमको भाग बनाना है, और 6 की जगह पे हमको 6 ही लिखना है। ये तो हो गया पहले ब्रैकेट का मामला, और भाग की जगह पे हमको गुणा बनाना है, और यहाँ पे लिख देना है 12 की जगह पे हमको 18 लिखना है, और देन हमारा इक्वल 2 लिखा है। अब अगर इसको हल करेंगे तो जहाँ पे भाग देने पे 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 18 बराबर 2, तो 18 दूनी 36 बराबर 2, यानी कि ये भी हमारा इक्वल नहीं आ रहा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो बी भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। बी के बाद सी को देखते हैं दोस्तों, 72, तो हमने 72 लिख दिया, और माइनस यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड की जगह पे हम क्या बनाएंगे, मल्टीप्लाई बनाएंगे, और 12 की जगह पे हम लिखेंगे 18 और ब्रैकेट बंद कर देंगे, और फिर इंटू, इंटू की जगह पे हमको क्या बनाना है, डिवाइड बनाना है, इंटू की जगह पे हमको बनाना है डिवाइड, तो यहाँ पे हमने डिवाइड बना दिया, और आगे लिखा है हमारा 18, तो 18 की जगह पे हमको 12 लिखना है बराबर हमारा 72। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 72 मल्टीप्लाई 18 बटे ये आ जाएगा 12 नीचे बराबर हमारा 72, तो 12 छंग 72, 18 छक्का 108, 108 बराबर 72, यानी कि ये भी हमारा क्वेश्चन फॉलो नहीं कर रहा। अब सी के बाद दोस्तों हम डी ऑप्शन देखेंगे, तो सी भी हमारा यहाँ से हो गया गलत। अब देखते हैं यहाँ पे 12 की जगह पे हम लिखेंगे 18, गुणा की जगह बनाएंगे भाग, 6 की जगह पे 6 ही लिखा रहने देंगे, पहले ब्रैकेट का मामला हो गया, फिर भाग की जगह बनाएंगे गुणा, 18 की जगह पे लिखेंगे 12 बराबर हमारा लिखा 36, तो 36 लिख दिया, 6 त्रिक 18 3 आ गया, मल्टीप्लाई यहाँ पे 12 बराबर 36, तो 36 बराबर हमारा 36, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा डी के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 36 के बाद दोस्तों अगर 37 नंबर देखते हैं, तो 37 नंबर क्वेश्चन हमारा कहा गया कि यदि भाग तथा इक्वल 5 तथा 3 का स्थान परस्पर बदल दे तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा 5 तथा 3, 5 की जगह पे हमको 3 रखना है, और फिर दोस्तों इक्वल की जगह पे हमको डिवाइड बनाना है, और फिर यहाँ पे हमारा 15 लिखा है, और आगे 3 की जगह पे हमको क्या बनाना है, 5 बनाना है, तो हमने यहाँ पे डिवाइड करके 5 बना दिया। अब अगर इसको हल करें तो 3 और यहाँ पे, अच्छा एक चीज, भाग की जगह पे हमको इक्वल बनाना है, तो इस जगह पे हमको इक्वल बनाना था, ये हमने इक्वल बना दिया, 3 × 5 = 15, यानी कि ये आ जाएगा हमारा भाग देने पे 5 = 5, तो दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा इक्वेशन बराबर हो गया 5 = 5, यानी कि देखा जाए तो 37 का ए के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 37 बाद 38 नंबर देखते हैं, और 38 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि यदि हम प्लस को माइनस के साथ और डिवाइड को गुणा के साथ आपस में बदल देते हैं तो निम्न समीकरण में से कौन सा समीकरण सही है। हमने ऑप्शन नंबर ए ले लिया, और यहाँ पे लिखा है 15, हमने 15 लिख लिया, और यहाँ पे कहा गया है यदि हम प्लस को माइनस के साथ और भाग को गुणा के साथ आपस में बदल देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ गुणा
तो गुणा की जगह पे हमको क्या बनाना है, भाग। तो हमने यहाँ पे भाग बना दिया, तीन लिख दिया। आपस का मतलब हुआ प्लस को माइनस, माइनस को प्लस बनाइए, भाग को गुणा, गुणा को भाग बनाइए। ये होता है आपस में मतलब बदल देते हैं, इसका अर्थ ये हुआ। फिर माइनस लगा दोस्तों, माइनस की जगह पे हम प्लस बनाएंगे और सत्रह लिखा, सत्रह लिख देंगे। प्लस की जगह पे हम माइनस बनाएंगे और छः लिखा है, और डिवाइड की जगह पे हम गुणा बनाएंगे, यहाँ पे दो लिख देंगे, बराबर हमारा ग्यारह। अब देखते हैं दोस्तों, तीन पच्चीस पंद्रह पाँच आ जाएगा, यहाँ पे सत्रह हो जाएगा, माइनस का छः दूनी बारह, अब बराबर हमारा ग्यारह। अब दोस्तों क्या करेंगे, सत्रह पाँच हो जाएगा हमारा बाईस, माइनस का बारह बराबर ग्यारह। बाईस से बारह कम करेंगे तो बाईस से पहले दो करेंगे बीस, बीस से हम दस कम करेंगे तो यहाँ पे हमारा दस बराबर इधर आ जाएगा ग्यारह। ये इक्वेशन बराबर नहीं हो रहा दोस्तों, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से गलत हो जाएगा। अब हम ऑप्शन बी लेके सॉल्व करते हैं। तो बी हमारा दो लिखा है, दो लिख दिया, और डिवाइड की जगह पे हमको गुणा बनाना है, आगे सेवन लिखना है, सेवन लिख दिया। फिर प्लस की जगह पे हमको माइनस बनाना है, आठ लिखना है, माइनस की जगह पे हमको प्लस बनाना है, इक्कीस लिखा, इक्कीस लिख दिया। गुणा की जगह पे हमको भाग बनाना है, भाग बना दिया, तीन लिखा है, तीन लिख दिया, और बराबर हमारा आगे फोर्टीन दिया है। अब अगर इसको हल करेंगे तो सात दूना चौदह हो जाएगा, माइनस का आठ, प्लस का तीन सते इक्कीस, बराबर हमारा चौदह। अब चौदह से हम आठ घटाएंगे दोस्तों, कितना बचेगा हमारा, चौदह से जब हम आठ घटाएंगे तो छः, और चौदह से आठ घटाएंगे तो हाँ दोस्तों छः प्लस सात देन हमारा फोर्टीन, तो यहाँ पे आ जाएगा तेरह बराबर चौदह, यानी कि ये भी हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। देखा जाए तो बी भी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, गलत आंसर होगा। यानी कि अब हम देखेंगे सी ऑप्शन। तो सी में हमारा लिखा है बारह, बारह लिख दिया, माइनस, माइनस जी हमको क्या बनाना है, प्लस बनाना है, तो हमने प्लस बना दिया, और आगे लिखा सोलह, हमने सोलह लिख दिया। फिर गुणा की जगह पे हमको भाग बनाना है, दो लिखा है, दो लिख दिया। फिर प्लस की जगह पे हमको माइनस बनाना है, तो माइनस पाँच लिख दिया। भाग की जगह पे हमको गुणा बनाना है, गुणा बना दिया, चार, और देन हमारा एक। अब अगर इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा बारह प्लस दो छंग बारह, नहीं दो आठ सोलह आ जाएगा, दो आठ सोलह, माइनस का पाँच चौक बीस बराबर एक। अब बारह आठ दोस्तों बीस हो जाएगा, बीस माइनस बीस बराबर एक, तो जीरो बराबर हमारा एक आ गया, यानी कि ये भी हमारा आंसर जो क्या है फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अगला ले लेते हैं सी के बाद डी ऑप्शन ले लेते हैं, तो हमारे सी भी यहाँ से हो गया रॉन्ग। हम अगला लेते हैं डी। डी में हमारा लिखा सत्रह, सत्रह लिख दिया, और प्लस की जगह पे हम लिखेंगे माइनस, तो हमने माइनस सात लिख दिया। फिर उसके बाद डिवाइड, तो डिवाइड की जगह पे गुणा बनाएंगे, दो लिख दिया, और उसके बाद माइनस की जगह पे हम क्या बनाएंगे, प्लस बनाएंगे, आगे इक्कीस, और गुणा की जगह पे हम डिवाइड बनाएंगे, हमने डिवाइड बना दिया, और आगे तीन बराबर हमारा दस। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे सत्रह माइनस का सात दूना चौदह, प्लस का तीन सते इक्कीस बराबर दस। अब दोस्तों देख लीजिएगा, सत्रह चौदह, सत्रह से चौदह घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा तीन बचेगा, ये प्लस का सात है बराबर दस, तो दस बराबर दस, यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि यदि एक्स चिन्ह को डिवाइड चिन्ह में बदला जाए और संख्या तीन को दो से बदला जाए तो नीचे दिया गया कौन सा समीकरण सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम ए ऑप्शन ले लेते हैं, तो ए ऑप्शन हमारा दिया गया है तीन को दो से, भाग को गुणा से, दो को तीन से, गुणा को भाग से, दो को तीन से, प्लस को प्लस, दो को तीन से, माइनस तीन बराबर एक। अब दोस्तों देख लीजिएगा, ये तीन आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएंगे हमारा, ये तीन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा दो बराबर एक। तो कुल मिलाकर के हमारा पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अब हम ऑप्शन बी ले लेते हैं। ऑप्शन बी में हमारा कहा गया तीन को दो बनाओ, गुणा को भाग बनाओ, दो को तीन बनाओ, भाग को गुणा बनाओ, भाग को हमने गुणा बनाया, दो को तीन लिखा, प्लस दो को तीन, माइनस तीन, और तीन को दो कहा है ना, तीन को हमने दो बना दिया इसको, और फिर बराबर हमारा तीन। ये दोस्तों क्या है, दो है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं दोस्तों, इसको हल कर लेते हैं, देखते हैं क्या यही वैल्यू आता है, ये सही है नहीं, यहाँ पे हमारा क्या है, ये दो है। हल करेंगे तीन का, तो ये बन जाएगा दो बटे तीन मल्टीप्लाई तीन, तीन से दो घटाएंगे हमारा एक बराबर तीन, ये तीन कट जाएगा, दो धन एक बराबर तीन, अर्थात तीन बराबर तीन, यानी कि देखें
तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर, और 40 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि दिए प्लस का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ है, देख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है जोड़, माइनस का अर्थ है जोड़, गुणा का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है भाग, और फिर तथा भाग का अर्थ है घटाओ, भाग का अर्थ है घटाओ, भाग का अर्थ है घटाओ, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो हमने ऑप्शन ए ले लिया, अगर ऑप्शन ए ले लेंगे तो यहाँ पे लिखा 30, हमने 30 लिख दिया, भाग, भाग के चिन्ह को माइनस बनाएंगे, 8 लिखा 8 लिख देंगे, गुणा के चिन्ह को भाग बनाएंगे, 4 लिखा है 4 लिख देंगे, माइनस चिन्ह को हमारा प्लस लिखा है प्लस लिख देंगे, और 6 लिखा है 6 लिख देंगे, और प्लस के चिन्ह को हमारा गुणा बनाने के लिए बोला है गुणा बना दिया, बराबर हमारा 32। देखते हैं दोस्तों, 4 दूना 8 यहाँ पे 2 आ जाएगा, 30 से 2 घटा देंगे 28 आ जाएगा, और प्लस का 6 कन्नम 6, तो यहाँ पे 4 दूना 8, 30 से 2 घटा देंगे तो हमारा 28 आ जाएगा, और 6 कन्नम 6 बराबर हमारा 32, 28 इधर आ जाएगा 34 बराबर 32, यानी कि देखें तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये तो रॉन्ग हो गया, सेट नहीं हुआ। अब ऑप्शन बी हम ले लेते हैं, 8 की जगह पे हमने 8 रख दिया, प्लस की जगह पे दोस्तों हमको क्या रखना है, यहाँ पे गुणा रखना है, 5 लिखना है, माइनस की जगह पे हमको प्लस लिखना है, माइनस की जगह पे हमको प्लस लिखना है, 20 की जगह पे 20 लिख दिया, गुणा की जगह पे हमको लिखना है भाग, गुणा की जगह पे हमने भाग लिख लिया, और आगे लिखा है 4, फिर डिवाइड की जगह पे हमको माइनस लिखना है, डिवाइड की जगह पे हमको माइनस लिखना है, और डिवाइड की जगह पे हमको माइनस लिखना है, और आगे लिखा है 6 बराबर हमारा 41। हल करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, 8 पंच 40 हो जाएगा, 4 पंचे 20 यहाँ पे 5 आ जाएगा, माइनस का 6 बराबर 41। 40 अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझना, तो यहाँ पे 6 से 5 घटाएंगे माइनस का 1, 40 से हमारे 1 कम हो जाएगा, इधर आ जाएगा 39, इधर 41, यानी कि देखें तो हमारा ये बी ऑप्शन भी गलत है। सी को देखते हैं, 12 लिखा है 12 लिख दिया, माइनस की जगह पे हमको प्लस बनाना है, फिर आगे 12 लिखना है, और डिवाइड की जगह पे हमको माइनस बनाना है, 6 लिख देना है, फिर गुणा की जगह पे हमको भाग बनाना है, गुणा की जगह पे हमको भाग बनाना है, 6 लिखना है, तो 6 लिख दिया, प्लस की जगह पे हमको गुणा बनाना है, आगे लिखना है 3, 3 बराबर हमारा 21। अब दोस्तों देख लीजिएगा, 12 12 हमारे कितना हो जाएगा 24, 6 से 6 को जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का 1, क्योंकि तो माइनस लगा है ना, माइनस 1, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 3, देन हमारा 21। तो अब यहाँ पे 24 माइनस का 3 बराबर 21, अर्थात 21 बराबर 21, यानी कि देखें तो ऑप्शन हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर, और 41 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि यदि प्लस का तात्पर्य भाग से, गुणा का तात्पर्य प्लस से, माइनस का तात्पर्य गुणा से, भाग का तात्पर्य माइनस से, तो निम्नलिखित समीकरण में से कौन सही है, हमको ये बात बताना है। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है 33, तो हमने दोस्तों ऑप्शन ए ले लेते हैं, सबसे पहले 33 लिखा, 33 लिख दिया। अब आगे चिन्ह क्या बना है दोस्तों, देख लीजिएगा, चिन्ह हमारा बना है माइनस, तो माइनस का तात्पर्य है गुणा से, तो हमने गुणा कर दिया और आगे 4 लिख दिया। डिवाइड का तात्पर्य है, डिवाइड का तात्पर्य है माइनस, तो डिवाइड का तात्पर्य है माइनस 5, गुणा का तात्पर्य है, गुणा का तात्पर्य है प्लस, गुणा का तात्पर्य है प्लस, और फिर आगे 6। अब प्लस का तात्पर्य है भाग, प्लस का तात्पर्य है भाग, देन हमारा 130। अब दोस्तों देख लीजिए क्या करते हैं, 2 से अगर इसको हम 3 बार, 3 आ जाएगा, 34 चौक बार, 4 तीन 12 के 2 हासिल लगा 1, 4 तीन 12 1 13 132, और 4 तीन 12 1 13 ठीक है, माइनस का यहाँ पे कितना आ गया हमारा 5, और 2 से हमने इसको क्या किया 3 टाइम में कट किया ना, तो 5 प्लस 3, तो ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं, बराबर हमारा कितना दिया है 130। अब यहाँ पे 132 में हम जब 3 जोड़ेंगे तो 135 माइनस 5 बराबर 130,
तो 130 बराबर 130 यानी कि देखें तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि यदि प्लस गुणा के लिए माइनस भाग के लिए, यानी कि प्लस जो है वो गुणा के लिए और माइनस हमारा जो है भाग के लिए, गुणा जोड़ के लिए, गुणा जो है वो जोड़ के लिए और भाग घटाओ के लिए, भाग घटाओ के लिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो यहाँ पे हमने 42 का डी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमने 12 लिख लिया और प्लस प्लस के लिए हम मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 और आगे माइनस माइनस ये पे हम मल्टीप्लाई यहाँ पे आगे 4, गुणा की जगह पे हम यहाँ पे कर देंगे प्लस 5, फिर यहाँ पे डिवाइड डिवाइड की जगह पे माइनस 4 बराबर हमारा 16। अब अगर इसको हल करें दोस्तों तो ये आ जाएगा हमारा 12 मल्टीप्लाई 5 बटे पूरे का 4 देन हमारा 5 माइनस 4 बराबर 16। 4 से ही हमारा 3 बार में कट जाएगा तो 5 15 आ जाएगा प्लस का 1 बराबर 16, तो 16 बराबर 16 यानी कि देखें तो दोस्तों हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन हमने लेके सॉल्व किया तो डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि 42 का देखा जाए तो डी हमारे इस क्वेश्चन को क्या करेगा, बिल्कुल फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 के बाद दोस्तों 43 नंबर, और 43 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि यदि प्लस भाग के लिए, जो प्लस है वो चिन्ह किसके लिए हो, भाग के लिए, और भाग हमारा जो है वो गुणा के लिए है, भाग हमारा गुणा के लिए, फिर आगे कहा गया है गुणा घटाने के लिए, गुणा यहाँ पे है हमारा घटाने, और फिर यहाँ पे दोस्तों घटाओ हमारा दिया गया है जोड़ के लिए। तो निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित से क्या सही है, हमको ये बात बताना है इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 43 नंबर का अगर हम देखें, चलिए हम ए ऑप्शन लेके हल करते हैं, ए वाला ऑप्शन ले लेते हैं, तो 18 हमने 18 लिख लिया प्लस, तो प्लस हमारा दोस्तों हो जाएगा भाग, यहाँ पे हमने लिख दिया 6, फिर दोस्तों हमारा यहाँ पे अगला है डिवाइड, डिवाइड की जगह पे हमको गुणा बनाना है, गुणा की जगह पे हमने 7 लिख दिया, फिर गुणा की जगह पे हमको माइनस बनाना है 5 लिख दिया, माइनस की जगह पे हमको प्लस बनाना है 2 लिख दिया बराबर 18। इसको भाग देंगे तो 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई 7, माइनस 5 से 2 घटाएंगे तो माइनस का 3 बराबर 18, तो 7 21 माइनस 3 बराबर हमारा 18, तो 18 बराबर 18 यानी कि देखा जाए तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए ही सेट हो गया, यानी कि 43 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कहा गया है कि गुणा का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ है प्लस और माइनस का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है डिवाइड, माइनस का अर्थ है डिवाइड, हमने डिवाइड कर दिया, और डिवाइड का अर्थ है माइनस, डिवाइड का अर्थ है माइनस, हमने डिवाइड का अर्थ माइनस कर दिया, और प्लस का अर्थ है गुणा, यहाँ पे प्लस का अर्थ है गुणा, हमने प्लस का अर्थ गुणा कर दिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण कह रहा सही होगा, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे हम ऑप्शन ए ले लेते हैं और हल करते जाते हैं, देखते हैं किसमें से सेट सही हो रहा है। 16 लिखा, 16 लिख दिया प्लस, प्लस की जगह पे हमको लिखना है गुणा, गुणा लिख दिया 5, और माइनस की जगह पे हमको क्या लिखना है, यहाँ पे भाग, हमने भाग लिख दिया। 10 लिखा, 10 लिख दिया, गुणा की जगह पे हमको दोस्तों प्लस लिखना है, प्लस लिख दिया, और आगे 4 लिखा, 4 लिख दिया, और भाग की जगह पे हमको माइनस लिखना है 3 बराबर हमारा 9। तो यहाँ पे अगर हम देखें 16 मल्टीप्लाई 5 अपान का हो जाएगा हमारा 10, और यहाँ पे 4 से 3 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस का 1, तो बराबर हमारा दोस्तों 9 तो दिया है। अब अगर इसको हल करें तो 16 पंचे 80, यानी कि 16 पंचे 80 और 10 अठे 80, 8 धन 1 बराबर 9, अर्थात 9 बराबर 9, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो हमारा यहाँ पे ए के साथ ही ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 45 नंबर, और 45 नंबर हमारा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि यदि माइनस चिन्ह को डिवाइड, यानी कि माइनस चिन्ह को किससे डिवाइड किया जाए, डिवाइड से, और प्लस चिन्ह को गुणा से, प्लस चिन्ह को गुणा से, प्लस चिन्ह को गुणा, प्लस चिन्ह गुणा के लिए, भाग चिन्ह माइनस के लिए, यहाँ पे भाग चिन्ह माइनस के लिए, भाग चिन्ह माइनस के लिए, गुणा चिन्ह प्लस के लिए, गुणा चिन्ह यहाँ पे प्लस के लिए, गुणा चिन्ह प्लस के लिए, तो हमको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम ऑप्शन ए ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा 49 लिखा है, प्लस प्लस की जगह पे हम क्या लिखेंगे, गुणा, तो गुणा हमने 7 लिख दिया, माइनस लगा है तो माइनस हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस की जगह पे हमको भाग बनाना है, आगे 3 लिखा है हमने 3 लिख दिया,
गुणा की जगह पे हमको प्लस बनाना है, गुणा की जगह पे हमने प्लस बनाना है तो 5 लिख दिया, डिवाइड यहाँ पे हमने माइनस 8 कर दिया डिवाइड की जगह पे, और यहाँ पे बराबर 20। अब अगर इसको हल करें तो 7 ये हमारा आ जाएगा, ध्यान से देखिए ये 49 मल्टीप्लाई 7 बटे दोस्तों हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3, और 8 से 5 घटाएंगे तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, देन हमारा 20। अब इससे तो ये कट नहीं रहा दोस्तों, तो हमारा कुल मिलाकर के ये इसका तो वैल्यू बराबर तो हो ही नहीं सकता, तो कुल मिला के देखें तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा रॉन्ग। अब ऑप्शन हम बी लेके देखते हैं, बी में दिया गया है 49 माइनस, माइनस की जगह पे हम क्या बनाएंगे भाग, हमने भाग बना दिया 7 लिखा, 7 लिख दिया, प्लस की जगह पे दोस्तों हमको गुणा बनाना है और आगे लिखना है 3, और भाग की जगह पे हमको बनाना है माइनस, हमने भाग की जगह पे माइनस बना दिया, 5 लिखा है 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस बनाना है और आगे 8 लिखना है, देन हमारा 24। अब 7 57 यहाँ पे 7 आ गया, मल्टीप्लाई 3 माइनस का 5 प्लस का 8 बराबर 24। अब दोस्तों 7 21 हो जाएगा, 21 और यहाँ पे माइनस का 5 प्लस का 8 बराबर हमारा 24, तो 21 8 29 हो जाएगा, 29 माइनस 5 बराबर 24, तो दोस्तों 29 से 5 घटाएंगे तो 24 बराबर हमारा 24, यानी देखा जाए तो ऑप्शन हमारा बी इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 45 बार दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 46 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि माइनस जमा के लिए, यानी कि माइनस जो है जमा के लिए, जमा मतलब प्लस के लिए, अब प्लस गुणा के लिए, यहाँ पे प्लस हमारा गुणा के लिए, और भाग घटा के लिए, यानी कि भाग जो होगा वो घटाना के लिए होगा, और फिर उसके बाद गुणा भाग के लिए होगा, गुणा जो होगा वो हमारा भाग के लिए होगा, और निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, हमको ये बात यहाँ पे बतानी है। तो दोस्तों यहाँ भी हम देखते हैं, यहाँ पे ए ऑप्शन लेके पहले देख लेते हैं, देखते हैं ए ऑप्शन में तो 5 लिखा है, हमने 5 लिख दिया, प्लस लगा है, प्लस की जगह पे हम मल्टीप्लाई बनाएंगे, मल्टीप्लाई 2, माइनस यहाँ पे माइनस की जगह पे हमको प्लस बनाना है, 12 लिखा है 12 लिख दिया, डिवाइड डिवाइड की जगह पे हमको माइनस लगाना है, 6 लिखा है 6 लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई की जगह पे हमको डिवाइड बनाना है, 2 लिखा है 2 लिख दिया, बराबर हमारा 13 लिख दिया। अब 5 दूना 10 प्लस का 12 माइनस का 3, 2 3 6 3 आ जाएगा बराबर 13। अब 10 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22 माइनस 3 बराबर 13, यहाँ पे आ जाएगा 19 माइनस 19 बराबर 13, यानी कि ये तो हमारा क्लियर नहीं हो रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो ए हमारा क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। अब ऑप्शन बी देखते हैं, 5 प्लस, प्लस की जगह पे हमको क्या बनाना है गुणा, यानी कि 2 हो गया, और माइनस 12 तो माइनस की जगह पे हमको बनाना है प्लस, फिर आगे लिख देना है 12, गुणा की जगह पे हमको बनाना है भाग, और यहाँ पे आगे लिख देना है 6, और भाग की जगह पे हमको बनाना है माइनस 2 बराबर हमारा 10। 5 दूना 10 प्लस का 12, 2 3 6 माइनस नहीं 6 दूना 12, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा गलती कर दी है, ये इतने आगे देखिएगा, 5 दूना 10 हो गया, हमने साथ में ही गुणा करा दिया थोड़ा जल्दी होने के लिए, और 6 दूना 12 यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे माइनस 2 बराबर 10, ये 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 10 बराबर 10, यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन हमारा बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। 46 बार दोस्तों 47 नंबर देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रश्न 47 और 48 यदि माइनस है गुणन, माइनस का मतलब क्या है दोस्तों गुणा है, माइनस का मतलब गुणा है, और प्लस का मतलब विभाजन, प्लस का मतलब विभाजन है, प्लस का मतलब विभाजन है, और दशमलव का मतलब है घटाओ, दशमलव का मतलब है घटाओ, अब भाग का मतलब है दोस्तों यहाँ पे जोड़, भाग का मतलब है जोड़, तो सही समीकरण ज्ञात कीजिए, ये बात हमको यहाँ पे बतानी है 47 नंबर क्वेश्चन पे। तो 47 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम कोई एक ऑप्शन ले लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे दशमलव कहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे दशमलव तो भी इनमें किसी में नहीं लगा है, यहाँ पे दशमलव ये लगा है, तो देखते हैं ए ऑप्शन ले लेते हैं दोस्तों, ए ऑप्शन में हमारा लिखा है 9, 9 लिख दिया, प्लस, प्लस की जगह पे हमको डिवाइड बनाना है 3 लिखना है, माइनस तो माइनस की जगह पे हमको दोस्तों क्या बनाना है गुणा बनाना है 1, और फिर डिवाइड डिवाइड की जगह पे हमको प्लस बनाना है 9, देन हमारा 10, तो यहाँ पे 3 गुणे 1 प्लस का 9 बराबर हमारा 10, 3 एक 3 9 3 12 बराबर हमारा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो ए हमारा हो गया रॉन्ग। अब ऑप्शन अगर हम बी लेके देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा,
इसी पे हम बी देख के सॉल्व करते हैं। तो बी हमारा दिया गया 15 और पॉइंट की जगह पे हमको माइनस लगा देना है, हम लोग की जगह पे माइनस लगा देना है, लगा दिया हमने। माइनस की जगह पे हमको लगाना है गुणा, यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। और प्लस की जगह पे हमको बनाना है दोस्तों डिवाइड, फिर आगे 3, देन हमारा 39। अब दोस्तों देख लीजिएगा 15 माइनस का 2 × 3 = 3 बराबर 39। तो 15 − 2 = 39, तो अर्थात कितना आ जाएगा 13 = 39। यानी कि देखें तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन भी हमारा हो गया गलत। अब हम देखते हैं सी ऑप्शन को, सी इधर ले लिया हमने, सी को देखते हैं। लिखा है 9, हमने 9 लिख दिया। माइनस, माइनस की जगह पे हमने गुणा बना दिया। 7 लिखा है, 7 लिख दिया। फिर डिवाइड, डिवाइड की जगह पे हमने प्लस बना दिया। और फिर उसके बाद 7 लिखा है, 7 लिख दिया। फिर प्लस, प्लस की जगह पे हमने डिवाइड बना दिया। फिर 7 लिखा है, 7 लिख दिया। फिर बराबर हमारा 64 लिखा, हमने 64 लिख दिया। अब दोस्तों ये हमारा डिवाइड है, 963 हो गया और 7 × 7, यानी कि हमारा दोस्तों देख लीजिए 64 = 64 मैच हो रहा है। देखा जाए तो यहाँ पे हमारा सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 47 बार दोस्तों हम 48 नंबर देखते हैं, और 48 नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है। यहाँ पे भी वही काम करना है, यदि माइनस का मतलब है गुणा, माइनस का मतलब है दोस्तों क्या गुणा है, और प्लस, यदि माइनस गुणन है, प्लस हमारा विभाजन है, प्लस हमारा विभाजन है, प्लस हमारा विभाजन है, और दशमलव हमारा यहाँ पे घटाव है, दशमलव हमारा घटाव है, और डिवाइड, डिवाइड है जोड़ना, डिवाइड है हमारा यहाँ पे जोड़ना, तो सही समीकरण। अब यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं पहले, 15 − 7। अब ये माइनस की पे हमको क्या बनाना है, गुणा, तो हमको इसे भी गुणा बना देना था, ठीक है, गुणा बना दिया। 7 पॉइंट की जगह पे हमको माइनस बनाना है 5, और प्लस की जगह पे, ये प्लस की जगह पे हम दोस्तों क्या बनाएंगे, डिवाइड, यहाँ पे लिख देंगे 20, और फिर उसके बाद हमारा 104। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो 15 × 7 = 105, और फिर माइनस का 1/4 बराबर हमारा 14। तो कुल मिला के दोस्तों इसको जब हल करेंगे तो पॉइंट में वैल्यू आ जाएगा, 14 = 14 नहीं बनेगा। तो ऑप्शन ए हमारा तो यहाँ से निगलेक्ट हो गया है, बी। अब भी देखते हैं दोस्तों, 25 लिखा हमने, 25 लिख दिया। फिर उसके बाद दोस्तों देख लीजिए भाग का चिन्ह बनाया, भाग के चिन्ह के जगह पे हम प्लस बनाएंगे, और फिर आगे 7 लिखा हमने, 7 लिख दिया, और पॉइंट की जगह पे माइनस बना के 2 लिख देंगे, और फिर माइनस की जगह पे हमको गुणा बनाना है, आगे लिखना है 5 = 22। अब अगर इसको हल किया जाए तो 25 × 7 = 32 हो जाएगा, माइनस का 5 × 2 = 10 = 22। 32 × 10 घटाएंगे दोस्तों 22 = 22, यानी कि देखें तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48 बार 49 नंबर, और 49 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है यदि ग्रेटर देन को प्लस दर्शाता है, लेस देन को माइनस दर्शाता है, प्लस डिवाइड को दर्शाता है, फिर वी टाइप के आकार को यानी गुणा दर्शाता है, माइनस को इक्वल दर्शाता है, इंटू को लेस देन यानी ग्रेटर देन को दर्शाता है, और इक्वल हमारा लेस देन को दर्शाता है। तो निम्नलिखित का सही कथन चुने। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे एक हमारा ये इंटरकैप वाला दिया है, इंटरकैप वाला तो यहाँ पे कहीं दिया नहीं गया है, तो इसका मतलब यहाँ भी इंटरकैप, यहाँ भी इंटरकैप, तो कहीं ना कहीं इसमें इसका वैल्यू तो कहीं नहीं दिया ना। इंटरकैप ये ऊपर के लिए तो दिया है लेकिन नीचे वाले के लिए नहीं दिया, तो इस ऑप्शन को तो हम तुरंत कैंसिल कर देंगे। इसमें भी देख लीजिएगा इंटरकैप लगा, इसको भी हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि ऐसा तो ऑप्शन में कहीं है नहीं, इसका वैल्यू बताया ही नहीं। तो अब हम और देखेंगे आगे, ये हमारा इन्हीं में इंटरकैप ये डी लगा है, डी भी हमारा गलत हो जाएगा, बचा हमारा क्या 9, तो यानी कि सी ऑप्शन। तो सी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगर आप करके देखना चाहें तो देख भी लीजिएगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आपको डायरेक्टली मैंने बताया करने का तरीका, अगर इसको आप निकालेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही सी सही हो जाएगा। 49 के बाद दोस्तों 50 नंबर देखेंगे, और 50 नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है। यहाँ पे कहा है 8 − 2 = 5 = 21, कह रहा है जिस प्रकार से इनका इनका वैल्यू क्या भरा जाए तो 21 आ गया, वैसे इसका इसका भरने पे 26 आ गया। तो कह रहा हैज और डॉलर की जगह पे क्या भरा जाए कि हमारा इक्वल में कुछ वैल्यू आ जाए, जैसे ये हुए हैं। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए 26,
तो 6 चौक 24 यानी कि देखा जाए तो हैज का मान जो उसने बनाया है, हैज का मान उसने प्लस बनाया है, नहीं 6 चौक 24 गुणा बनाया है। क्या बनाया है दोस्तों, देख लीजिएगा, हैज का मान यानी कि हम देखें तो ये जो हैज का मान उसने बनाया है 6 चौक 24, हैज का मान गुणा बनाया है और ऐट द रेट का मान बनाया है, क्या बनाया दोस्तों, ऐट द रेट का मान प्लस बनाया है। तो 6 चौक 24 2 26 ऐट द रेट को उसने क्या बनाया है, प्लस बनाया है। तो ऐसे ही दोस्तों इसका भी देख लीजिएगा, हैज की 8 दूना 16 और 16 5 21, तो यानी कि हैज 7 3 7 21 21 9 30, कितना आ जाएगा हमारा 3 7 21 और यहाँ पे प्लस का 9 3 7 21 9 30, यानी कि देखा जाए तो बी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी अगर कोई डाउट या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज़्यादा से शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर, और 51 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पे तो इसको अगर हम दूसरे तरीके से हल करना चाहें तो इसको देख लीजिए कैसे कर सकते हैं। ये अगर हम 19 और 22 को ऐड कर दें दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, 9 2 11 2 1 3 1 4 41 आ गया। ये देखिए 41 पीछे मैच भी कर रहा है। अब बाद में इन्हीं 4 और 1 को घटाएंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, इस प्रकार से 413 आ गया। ऐसे ही दोस्तों देख लेते हैं 11 और 32 को हम ऐड करते हैं तो 32 33 10 43 हो जाएगा, 4 से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 431 इस प्रकार से आ गया। इसी प्रकार हम अगला करेंगे दोस्तों 42 और 12 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 1 5, इससे हम क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे इसमें हम बाद में 5 से 4 घटाएंगे तो 1, यानी कि 541 आ जाएगा और फिर 541 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 के बाद 52 नंबर, और 52 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया, कहा गया है कि नीचे दिए गए समीकरणों को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया गया है, उसी प्रणाली के आधार पर नीचे दिए गए अनसुलझे समीकरण के लिए चार विकल्पों में से सही उत्तर का पता लगाइए। अब यहाँ पे देख लीजिएगा 45 से 25 तो ये आ गया 2, यानी कि अगर हम देखें तो ये 2 कैसे बनाया गया ये बात हमको जानना है। 78 से 45 घटाएंगे तो 3 बना दिया गया, तो यहाँ पे अगर हम 8 से 5 घटाएंगे 3 मिल जाएगा, 5 से 2 घटाएंगे तो 3 मिल जाएगा, या फिर 4 से 2, देख लीजिए 4 से 2 घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा, और फिर 7 से 4 घटाएंगे तो हमको 3 मिल जाएगा, 6 से 4 घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा इस जगह पर, 2 मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, और 53 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी कोड भाषा में यदि 41 - 32 = 55, 42 - 34 = 76, 53 - 13 = 48, तो 33 - 22 क्या होगा। अब देख लीजिएगा अगर इनको हम देखें 4 1 5, यानी कि इन दोनों को ऐड किया गया 4 1 5 तो 5 लिख दिया गया, 3 2 5 5 लिख दिया गया इन दोनों को भी ऐड करके, ऐसे ही 4 2 6 तो पहले यानी कि पहले वाले को ऐड करके इकाई के अंक में लिखा जाएगा, और 4 3 7 यानी कि इसको जोड़ करके दहाई वाले अंक पे लिखा जाएगा। फिर इसमें देख लीजिएगा 5 1 6, देखिए 5 ये 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 हमारा इकाई के अंक पे लिख दिया गया, 3 1 4 दहाई के अंक पे लिख दिया गया। तो अब ऐसे ही दोस्तों हम क्या करेंगे, ये 3 3 जोड़ेंगे तो हम इकाई का अंक लिखेंगे, और 2 2 4 इनको जोड़ेंगे तो दहाई अंक का अंक लिखेंगे, 46 यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 53 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 54 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा गया कि दिए गए प्रश्नों में कुछ समीकरण एवं विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरणों का उत्तर ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 2 कैसे आया है, अगर हम देखें 6 7 42, अगर 42 आया हमारा तो 4 से 2 घटा देंगे तो 2 मिल जाएगा। अब 3 5 15, 15 में अगर हम 42 का दोस्तों इसने क्या किया, इकाई का अंक रख दिया है 2,
ऐसे ही दोस्तों 3 × 5 यानी 3 × 5 = 15, 15 में इकाई का अंक रख दिया है 5। अब 8 × 5 = 40, 40 में हम इकाई का अंक रख देंगे 0। इस प्रकार यहाँ पे किया गया, तो 6 × 8 = 48, 48 की हम रख देंगे 8। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर 54 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 55 नंबर देखते हैं, और 55 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 × 9 यानी दिए गए प्रश्नों में कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरणों का उत्तर ज्ञात कीजिए। कहा गया है 397 को, ये 379 यानी कि 3 फिर 7 और फिर उसके बाद ये 9 लिखा गया है। ऐसे ही हमारा यहाँ पे 58 उसके बाद 4 लिखा गया है, फिर यहाँ पे 13 उसके बाद हम लास्ट में 2 लिख देंगे, यानी कि 13 और यहाँ पे 2 लिख दिया हमने, ठीक है 132। 132 हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि देखें तो 55 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 56 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, 56 नंबर क्वेश्चन पे हम ऐसा कर सकते हैं कि 678 366, ये 678 से 366 कैसे आया है, 567 से 255 कैसे आया, इसी प्रकार हमको यहाँ से 946 करना होगा। तो अगर हम 678 में 366 घटाते हैं तो 8 से 6 घटा दिया 2, 7 से 6 घटा दी 1, 6 से 3 घटाएंगे 3, फाइनली हमारा 312 आ गया। अब ऐसे दोस्तों 567 हम ले लेंगे, यहाँ पे 255 घटा देंगे 213, 312 यहाँ से भी आ गया। तो अगला ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये 946 है हमारा, इसमें इस 946 में हम कितना घटा दें, यानी कि 312 घटा दें, जो वैल्यू आ जाएगा तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 946 माइनस 312 हमने कर दिया, 6 से 2 घटा देंगे 4, 4 से 1 घटाएंगे हमारा 3, 9 से 3 घटाएंगे 6, 634 यानी कि हमारा 634 घटाया जाएगा इससे, किससे, हमारा 946 से, तो 312 सबके बराबर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 के बाद 57, 57 नंबर हमारा दिया गया है 7 − 4 − 1 = यानी कि 7 फिर 1 फिर 4 फिर 9, 3 और फिर 2, फिर ऐसे ही 840 यानी कि 840 840। तो अब हम यहाँ पे यानी कि 840 बी पे दिया गया, इसलिए दोस्तों 57 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 58 नंबर में कहा गया कि 526 का 9 834 का 9 हो तो 716 का क्या होगा, 6, 5, 11, 11 से दोस्तों अगर हम 2 घटा देंगे तो 9, 8, 4, 12, 12 से 3 घटाएंगे तो 9, कैसे दोस्तों देख लीजिए कि 526 लिखा है, अगर हम इनको जोड़ देते हैं आपस में, जोड़ने के बाद बीच वाली संख्या घटा देते हैं तो 6, 5, 11 − 2 = 9 मिल जाएगा। अब ऐसे ही 834 में 8 और 4 को हम क्या करेंगे, 8 और 4 को जोड़ेंगे 12, माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखें तो अब ऐसे ही हमारा 716 है, तो 7, 6 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 13 − 1 अर्थात 12 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 58 के बाद 59 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, और 59 नंबर में कहा गया कि 85 + 25 = 50 आ गया है, 97 + 65 = 93 हो गया है, तो 72 + 94 क्या होगा हमको बात बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पे 85 + 25 = कितना आ गया हमारा, यहाँ पे कैसे आया दोस्तों देख लीजिएगा, 85 + 25 देखिए 85 और प्लस यहाँ पे 25 बराबर आया है 50, तो इसने क्या किया है 8 और 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 × 45 प्लस 2 × 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 5 = 10, देन हमारा 50, तो 50 = 50 इस प्रकार से सेट किया है। तो ऐसे ही दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगला वाला है जो हमारा 963 और 6 × 5 = 30, 60 × 30 = 90, 3 × 3 = 93 हो गया ऐसे ही, फिर ऐसे ही हम इसको करेंगे 7 × 2 = 14 प्लस का 9 × 4 = 36 और 36 × 40 = 14 हो जाएगा हमारा 50, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन भी होगा, यहाँ पे कहा गया है 5725,
तो 7, 2 और 5 लास्ट में 9, 0, 6 तो यहाँ पे हमारा 4, 3, 8 ये भर दिया हमने। तो कुल मिलाकर के देखें तो 60 का हमारा 438 यानी कि सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूंगी कि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ करके अपने किसी प्रकार के डाउट या डाउट की क्यूरी भेज करके उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं, विद पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।